यूपी में उपचुनाव का खुमार ऐसा चढ़ा है कि आए दिन नए नए नारों का बोलबाला है। योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा इतना ट्रेंड कर रहा है कि हर कोई उसके इर्द गिर्द ही अपनी कहानी बुन रहा है। बटेंगे तो कटेंगे। सपा इस नारे से सबसे ज्यादा परेशान है, तभी तो योगी के इस बयान पर अखिलेश ने हमला बोलते हुए पोस्ट किया है। नारे हमेशा सकारात्मक होने चाहिए, कमजोर लोग ही नकारात्मक नारे देते हैं। हम तो कहेंगे जुड़ेंगे तो जीतेंगे। पीडीएफ जुड़ भी रहा है और जीत भी रहा है। अखिलेश पीडीए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि योगी ने हिंदुओं को एक रहने की नसीहत दे दी है, तो सपा इसकी काट के तौर पर पिछड़ों को साधने में जुटी है। ये पीडीए की ताकत से घबरा करके ये नारा निकाला गया है और ये किस लैब में तैयार हुआ है और सबसे सुटेबल व्यक्ति कौन हो सकता था उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को आगे लाया गया। इस बार पीडीए लोगों को जोड़ेगा। पीडीए की बढ़ती हुई ताकत से बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए इस तरह के नारे दे रही है। अखिलेश का निशाना चुनाव कम और 27 का चुनाव ज्यादा है, इसीलिए तो योगी के हिट होते स्लोगन का सियासी विरोध कर रहे हैं। लेकिन योगी को घेरने की कोशिश करने वाले अखिलेश पर गिरिराज ने सियासी चढ़ाई कर दी है और उनके पोस्टर का जवाब देते हुए लिखा है, अपने पिता मुलायम सिंह यादव की तरह अखिलेश भी हिंदुओं पर गोली चलाने और उनके कत्लेआम का मौका तलाश रहे होंगे, क्या वो जोड़ेंगे? यानी सियासत अब बांटने और जोड़ने पर है। वोट बैंक के लिए कौन कितना जोड़ पाएगा, कौन कितना तोड़ पाएगा, ये तो 23 नवंबर को उपचुनावों का नतीजा ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ दिवाली की धूम है लेकिन दूसरी तरफ जौनपुर में एक 17 साल के नाबालिग बच्चे की हत्या कर दी गई, वो भी सिर्फ एक जमीन के टुकड़े को लेकर के। अब समाजवादी पार्टी इस पूरी खबर पर सरकार पर ही हमलावर नजर आ रही है। त्योहार का मौका है, लोग रोशनी का पर्व मना रहे हैं, लेकिन यूपी के जौनपुर में इस मां के घर का चिराग बुझ गया है। महज एक जमीन के टुकड़े के लिए नाबालिग को धारदार हथियार से गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद से इलाके में सन्नाटा है क्योंकि जघन्य कांड हुआ है। 40 सालों से चलते जमीन विवाद में हत्या हुई, मामूली कहासुनी के बाद बहस हुई, दूसरे पक्ष ने अनुराग यादव का गला काट दिया, तलवार से वार करते ही सर धड़ से अलग हो गया। 500 मीटर तक खेत में सर घसीटने का दावा किया जा रहा है। मृतक अनुराग टाइकांडो का होनहार खिलाड़ी था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, जिसके बाद से परिवार का बुरा हाल है। जैसे ही मामले की सूचना प्रशासन को मिली तो आनंद फानन में DMSP मौके पर पहुंचे और एक्शन तेज किया गया। जमीनी विवाद में जो करीबन 40-45 साल से दो पक्षों के मध्य चल रहा था, उसमें रमेश और लालता इन पक्ष के द्वारा जो दूसरे जो जिनके साथ विवाद था उनके ऊपर हमला करके उसकी हत्या की गई है। जो अभियुक्त उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और आगे कार्रवाई, इसमें विधि कार्रवाई की जा रही है। जघन्य अपराध है और इस अपराध को जिसने भी कारित किया है उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा, साथ ही जो इनको उकसाने वाले लोग हैं उनको भी दंड दिया जाएगा। प्रशासन कार्रवाई का दावा कर रहा है लेकिन हत्याकांड पर सियासत जारी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। प्रशासन अगर जनता की सुनने लगे तो आज घटना जौनपुर में जो हुई है ऐसी घटना नहीं होती। प्रशासन और सरकार के लोग न्याय नहीं दे पा रहे, इसीलिए इस तरह की घटनाएं हो रही है। सपा सवाल उठा रही है तो बीजेपी सख्त सजा देने का दावा कर उस पर पलटवार कर रही है। जिस तरह की ये घटना हुई है, इस तरह की घटना का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। इस पूरे मामले को उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत गंभीरता से लेगी। इस पूरे मामले में जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी करके और जल्द से जल्द उनको उनके मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। सियासत अपना काम कर रही है और सिस्टम अपना, लेकिन पड़ोसी से जमीन का विवाद 40 साल तक चलता रहा और एक नाबालिग की निर्मम हत्या कर दी गई। आरोपी पकड़े जाएंगे, सजा होगी, लेकिन उस मां का चिराग जो दिवाली पर बुझ गया उसे क्या कोई वापस ला पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये बड़ी खबर, और एयरलाइन में बम धमकी के मामले में भारत ने अमेरिका से मदद भी मांगी है, क्योंकि जितने भी थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं, पोस्ट आ रहे हैं, वो ज्यादातर अमेरिका
में बैठे हुए लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, ऐसी जानकारी मिली थी। अब एयरलाइन में बम धमकी से जुड़ी हुई खबर के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है, जहां मैसेज के लिए अमेरिका से संपर्क किया गया है कि इसकी जांच की जाए, जो अफवाह फैलाई जा रही है उसके बारे में पता लगाई जाए। FBI से भारत ने इस मामले में गुजारिश की है कि वो इस मामले में जांच करें, जो मैसेजेस वहां से भेजे जा रहे हैं, जो थ्रेट कॉल्स आ रही है उसे लेकर के, क्योंकि 15 दिनों में 450 से ज्यादा धमकियां अभी तक मिल चुकी हैं। भारत ने इस पूरे मामले में अमेरिका से संपर्क साधा है और उन्हें अवगत करवाया है कि आखिरकार स्थिति क्या है, अफवाह का पता लगाने के लिए FBI से मदद मांगते हैं। और अब बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के, क्योंकि सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या पुतिन कुछ बड़ा करने वाले हैं। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी करने वाले हैं, क्योंकि परमाणु हथियारों की नुमाइश उनके द्वारा की गई थी। अब ऐसे में ये युद्ध क्या आगे और बढ़ेगा? हिंदुस्तान में दीपोत्सव की धूम है, लेकिन क्या धमाका पुतिन करने वाले हैं? दिवाली पर क्या रूसी राष्ट्रपति कोई बड़ा बम फोड़ेंगे? इस खौफनाक सवाल की जड़ है पुतिन का वो जंगी फैसला, जिसमें उन्होंने अपने परमाणु हथियारों की नुमाइश की। रूस ने परमाणु मिसाइल दागने का अभ्यास किया, बम बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलें सटीकता से दागी गई। पुतिन ने परमाणु सेंटर में ड्रिल की मॉनिटरिंग की, ये तैयारी और हथियार अपडेट करना जरूरी है। पुतिन ने कहा, परमाणु हथियारों का उपयोग केवल अंतिम उपाय है, ये पुतिन बता रहे हैं। तो क्या वो आखिरी वक्त आ चुका है जब पुतिन एटमी बम मार कर तहलका मचा देंगे? क्योंकि रूस यूक्रेन जंग 32 महीनों से चल रहा है और रूस ने पूर्वी यूक्रेन के दो शहरों पर कब्जे का दावा किया जा रहा है कि रूसी सेनाएं एक साल में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। इसके पीछे उसका मनोबल बढ़ना भी वजह है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने रूस में अपने सैनिक भेज दिए हैं। यूक्रेन के द्वारा रशिया के मेनलैंड में अमेरिका की दी हुई लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के आक्रमण की आशंका को देखते हुए अचानक रशिया ने दोबारा से न्यूक्लियर वॉर ड्रिल की है और टेस्ट करके ये बता दिया है कि मैंने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव कर लिया है। यूक्रेन और अमेरिका दोनों को उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि बी रेडी फॉर अ न्यूक्लियर वॉर। अमेरिका, यूक्रेन और दक्षिण कोरिया ने आरोप लगाया है कि नॉर्थ कोरिया जंग में रूस की मदद कर रहा है। नाटो और पेंटागन ने दावा किया कि किम जोंग ने रूस को न केवल हथियार दिए बल्कि अपने 10,000 सैनिक रूस में यूक्रेन के खिलाफ उतार दिए। अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है कि यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया अगर शामिल होता है तो यूक्रेन पर अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल की रोक नहीं लगाई जाएगी। क्या इसी आशंका में पुतिन ने परमाणु हथियारों का जखीरा निकाल लिया है? इसके आगे क्या होगा? रूस भी आपको ये बता रहा है कि ऐसी बेवकूफी के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि हम पूरी दुनिया पर न्यूक्लियर हथियार हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी दुनिया को हम बर्बाद कर सकते हैं। तो ये पुतिन साहब का बड़ा क्लियर संदेश है अमेरिका, और मेरा मानना है कि अमेरिका को ये संदेश मिल गया है।